चलिए देखिए इधर ये लाइन यहाँ पे रिपीट होकर के रखा हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन को यहाँ पे कट कर दीजिएगा क्वेश्चन में, जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट, वो भी कर दूंगा, ये वाला जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट माइनस वाई को जॉइनिंग द डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये वाला लाइन नहीं मिटेगा, ज्वाइनिंग द पॉइंट माइनस फाइव कॉमा फोर एंड टू माइनस टू कॉमा, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो यही रहा माइनस थ्री कॉमा के, माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या बोलोगे, माइनस टू एम प्लस माइनस ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी, तो रेशियो फिर क्या रहा, है ना, जब रेशियो निकल जाएगा तो एम का वैल्यू सॉरी के का वैल्यू आ जाएगा, जैसे पहले रेशियो निकाल दिया अब फिर के इज इक्वल टू बोलोगे तो तुमको एम का वैल्यू पता है, तो निकल के का वैल्यू टू बाई थ्री। अगला देखो फाइंड द ए क्वेश्चन नंबर 42 डाउट, हां हां क्या हो गया, तो फाइंड इस सवाल के पास है सर, एक तो उसको वाई एक्सिस आप बनाइए ना, पहले वाले क्या क्या पहले वाले क्वेश्चन का क्या एक बार वाई एक्सिस बनाइए, काहे बनाए सर, एक्स अरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हां वही वाई कोऑर्डिनेट, ए इक्वल्स टू लाइन क्या था माइनस 6 और 2 into minus 3 ना, minus 6 1 into minus 4 plus 1 into minus 4 minus of 4 divided by 3 10 by 3 minus 10 by 3 minus 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अरे m का वैल्यू 2 आया तो 3 into 2 6 ही, एक मिनट बाबा, ये रहा माइनस फाइव कॉमा माइनस फोर, माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, और इसका वैल्यू क्या है, माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री कॉमा के, हाँ भाई के के का वैल्यू होगा माइनस थ्री कॉमा के टू, ये पॉइंट रहेगा ना, तो भैया आपका वो पॉइंट कितना आया है जो लाइन डिवाइड कर रहा है, वो लाइन कितना आया है, अभी क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रेशियो मिनिमम माइनस 3 का, के का वैल्यू निकालना है, मिड पॉइंट का जो है फाइंड का वैल्यू, सर रेशियो निकाल लिए 2:1, अब के का वैल्यू बता दो, माइनस 10 माइनस 10 बाय 3, हां माइनस 10 बाय 3 आना चाहिए, हां सर के पास, तुमको मैंने ये क्वेश्चन कहां तक कराया है, 40 लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, 40 In the figure, right angle triangle BOA is given and C is the midpoint of hypotenuse. Centroid करा दिया था? हाँ। ये centroid का ही question है? नहीं नहीं। ऐसे centroid का concept दिया। Concept दिया। और area का concept बताया जाए। तो बना क्या? हाँ। इसका K का value कितना आएगा? -10/3 माइनस टेन बाय थ्री सही माइनस थ्री बाय होना तो यो हाँ यही आएगा माइनस टेन बाय थ्री, आंसर टू बाय थ्री कब आएगा सुन लीजिए, ये जब अगर माइनस ना रहता, अगर ये माइनस ना रहता तो आपका टू बाई थ्री अगर, लेकिन क्वेश्चन में तो माइनस की बन है ना, हाँ ये क्वेश्चन एक्स का वैल्यू ना नहीं, मतलब हम बी एस का ए का वैल्यू 1/3 है, हाँ ए का वैल्यू 1/3 1/3 हाँ
उसके बाद x और y का वैल्यू तो निकालना है। x का वैल्यू 5 by 2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हेयर द कट द एक्सिस। x का वैल्यू 5 by 2 है। कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 by 3। कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है? 5 by 2 कॉमा 0। मान तो 0 मान लेते हैं ना, y क्लियर है? डाउट है किसी को? ऐसे ही मान लेते हैं। किसी को डाउट है क्वेश्चन में? नहीं। किसी को भी? किसी को भी? हाँ, अटेम्प्टेड भी है। क्या चाहते हैं? कितने लोगों का समय बर्बाद करना? हाँ, कब बनाने वाले थे? ये आपका अभी 53 नंबर पे ही है, 42 पे, 42 मेरे यहाँ पर से 53 है। और अभी आपका, मेरे ख्याल कल आपका एक आखिरी क्लास लगेगा, कल मुझे सारा क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो प्लीज कल थोड़ा प्रिपेयर होकर के आइए, है ना? ये क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि मुझे संडे को सर्कल से स्टार्ट करने हैं, ठीक है? तो कल प्लीज एकदम सेलेक्टिव डाउट लेकर के आइए, मुझे बेकार जो क्वेश्चन है एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार 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 मत पूछ रहे हैं। ये पूछना आपको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप बना करके नहीं आ रहे, ठीक है? Find A so that the mind 3, y lies on the line representing by 2x minus y minus 5 is equals to 0. Also find the coordinate of the point where the line cuts the x-axis. 3, y कहाँ lie करता है? इस line पे, है ना? तो अगर x का value 3 और y का value अगर a रख दिया जाए, तो इस equation को satisfy करेगा? क्यों नहीं satisfy करेगा? ये तो मैंने बताया कि नहीं बताया, है ना? कि भैया इस जगह पर x की वैल्यू को 3 रख दिया जाए और y की वैल्यू को a रख दिया जाए, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो पॉइंट इस लाइन पे लाए करेगा। x का वैल्यू नोन हो गया, y का वैल्यू a में कन्वर्ट हो गया, पूरे इक्वेशन में कितना वेरिएबल बचा? a वेरिएबल है। बात सॉल्व करोगे तो a आ जाएगा आपका 1/3। अब क्वेश्चन क्या बोला? वेयर कट्स द एक्स एक्सिस, मतलब कि सर कोई तो लाइन होगा, कैसे भी लाइन होगा, वो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सर इधर से लाइन कट करेगा या इधर से लाइन कट करेगा, तो स्लोप कैसा है, ठीक है? अभी हम कहते हैं सर, मान लीजिए कि मेरा ये लाइन रहा और ऐसे लाइन कट कर रहा, ये पॉइंट रहा, ये किसका एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो भाई क्या होगा? जीरो, जीरो। अब सुनो, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये इस लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा, ये पॉइंट भी इसी लाइन पे रहेगा, तो ये वाले पॉइंट जब इसी लाइन पे रहेगा तो ये पॉइंट भी इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस वाला का कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0 उठा करके डालो, x का x रख दो, y को क्या डाल दो? 0, 0 डाल दो, हो जाएगा। तुमको अगर मैं पूछ देता इसी क्वेश्चन में वेयर इट कट्स द y एक्सिस, ये वाला पॉइंट क्या होता? 0, y x को क्या पुट कर देते? 0, 0 y y क्या ऊपर में होगा भाई? नहीं। तो भाई का लगा कहाँ पर होगा? नीचे में होगा। और ये कितना होगा? -5/3। और ये कितना होगा? 2/3। आया ना? तो लाइन ऐसे होगा या ऐसे होगा? ऐसे होगा। समझ में आया कि नहीं आया कि मैंने ये लाइन को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि y को माइनस में कट कर रहा था, -5। है ना? समझ में आ रहा है? दिक्कत समझ में। ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर
सेंट्रोइड भी निकाला था क्या? सेंट्रोइड का आंसर कौन सा क्वेश्चन? टू वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल उसके पहले का भी तो एक क्वेश्चन होगा? नहीं है सर, टू वर्टेक्स ऑफ अ क्वेश्चन मिसिंग है, लिखो एक क्वेश्चन। टू वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल माइनस 1.4 एंड 5.2 and 5.2 if the centroid is 0, -3 find the third vertex, find the third vertex centroid is 0, -3 the two vertices of a triangle -1, -4 and 5.2 if the centroid is 0, -3 find the third vertex, find the third vertex. क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नोट हो गया? यस सर। चलिए, और आप कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? एबीसी का ट्रायंगल जी का सेंट्रोइड कितना? ए हो गया 7, बी हो गया 5। हां, और लेंथ ऑफ साइड बीसी 5 यूनिट्स। ठीक है, सेकंड वैल्यू का बता दो। बी का वैल्यू -10 बट ऐसे सर कुछ दिक्कत नहीं था। चलिए ठीक है, वो बताओ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बीए कंप्लीट हो गया ना? अगला किसी को डाउट आएगा तो पूछ लीजिए, किसी को भी डाउट आए तो पूछ लीजिए। क्योंकि भैया एरिया कभी भी आपका निगेटिव नहीं होता, समझ गए? इस बात का ध्यान रखिए, एरिया चल हो गया तो लाइट कोलिनियर हो गया, पांच कोलिनियर हो गया, ये कि नहीं है? डाउट है? क्या बताइए, तो बताइए क्या भैया? ये रहा एक्स, देखो 1/2 इसके जगह पर ये ही लगा देते तो चल जाए, ये इधर तुम्हारा माइनस ऑफ ए -2a (-2a)² है ना, और इधर -ऑफ a² है ना, ये
एब्सोल्यूट वाई है, ये और ये कट जाएगा, माइनस टू ए स्क्वायर से बाहर क्या आएगा, टू ए स्क्वायर बाय टू कट जाएगा, ए स्क्वायर है ना, माइनस टू ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन सर ये किसके अंदर है, एब्सोल्यूट वाली बाहर निकलेगा, तो अभी तो पॉजिटिव में है, तो अभी तो पॉजिटिव में आएगा, ये डाउट है, नो सर, आगे बढ़े, सर पी का वैल्यू टू आया, कितना है पी का वैल्यू, आपको जो पॉइंट बोला है ना, पॉइंट तो हो सकता है, क्या बोला है, अभी आपको इसमें देखिए क्या परेशानी है ये बताइए, सॉल्व करने में क्यों, वो तो प्रूव करने के लिए बोला है, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर इन पी टू एंड माइनस टू, अगर सो दैट बोला तो मतलब ये एरिया किसके बराबर होगा, जो भी एरिया आप निकालोगे उसको किसके इक्वल करोगे, नेक्स्ट लेटर को फोकस पे करना बढ़िया है ना, दिक्कत ना हो जाए बाद में, आप लोग तुम्हारा क्या आंसर है, अगर 18 बोलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, स्क्वायर और उसमें कोई दिक्कत है नहीं, अब आपको क्या करना, सुन लीजिए, सेंट्रोइड आपको पहले तो कोऑर्डिनेट का निकाल, सर सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने बोला, जब सॉरी आपको गिवन है, इधर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल -5 आपको गिवन है, -5 से आपको गिवन है, टू ऑफ इट्स वर्टेक्स के साथ कोण का -5 -7 तो दो आपको गिवन है ना, एक आप निकाल दो, आप लोग ध्यान रखिए, बैठ जाइए, आप लोग का एंट्री ना छोड़ी, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, सॉल्व करने की आवश्यकता है किसी के लिए भी, ऐसा समझिए मैं बता रहा हूँ वापस से, आप अपने लिए आ रहे हैं, अगर किसी से अगर ये हो गया हो, अगर आपसे नहीं हुआ हो तो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन सॉल्व इट फॉर यू, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ हर क्वेश्चन, आप आए थे क्लास में, एरिया वाला क्लास किया है, फिर कैसे होगा बताइए, फिर भी बताने का कोशिश करते हैं, ए बी सी, सेंट्रोइड क्या होता बेटा, मीटिंग पॉइंट कौन सा, ये रहा मेरा अब आपको डायरेक्टली पता है बेटा क्या, -5 इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और माइनस और 3 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, देखिए मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करती हूं, मैं आपको रास्ता बहुत जरूर बता दूं, इसमें से दो कोऑर्डिनेट गिवन है 4 और -5, जिसे आपको 4 और -5 गिवन है, ये x1 हो गया और x2 गिवन है, x1 पता चल गया, x2 पता चल गया, x3 और नहीं हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में अननोन कितना बचेगा, एक दैट इज x3 निकल जाएगा, और सिमिलरली यहां पे -3 और 7 है, तो इस पूरे y कोऑर्डिनेट में y1 और y2 नोन है, अननोन क्या रहेगा, y3 तो जब आपको तो तीनों वर्टेक्स निकल गया तो एरिया तो कह ही देंगे, है ना, एरिया कहने के लिए मैंने क्या बताया आपको, 1/2 मॉडुलस फंक्शन क्या है, मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन क्या है, अभी आप लोग मॉडुलस नहीं पढ़े, अभी आप लोग उसको एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं,
एब्सोल्यूट फंक्शंस के अंदर हम लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, x1 गाड़ी शुरू होती है हमारी, x1 1 के बाद क्या आती है, 2 तो y2 minus y3 है ना, प्लस x1 के बाद क्या आएगा, x2 x2 अब 2 के बाद क्या आता है, y3 minus y1 sorry y3 minus y1 है ना, अब x3 y1 minus y2 minus y2 find the ratio of this to the given triangle, right? मुझे क्या बोला? Just area of the triangle formed by the joining of the midpoint of the side. इसके ऐसा vertices आपको ये तीन vertices given है. ये रहा. Triangle का नाम बता दो. Sorry, 0, minus 1. ठीक है. 2, 1. 0, अच्छा, एक बात का सब ध्यान रखें. क्या मैंने limit नहीं किया है? थोड़ा सा सोचो, मैंने जीरो को ऊपर पहुंचा दिया है, तो नहीं अभी मुझे बस इतना सा बता दो कि ये टू या जो ये हाइट है तुम्हारा, समझ लो कि ये एक्स एक्स एक्सिस है मेरा, एक्स एक्सिस मेरा ये बता रहा है कि सर मेरा ये जीरो है, ठीक है, तो जो मेरा निगेटिव पॉइंट होगा वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा, अब आप चेक कर. अच्छा, उसके बाद क्या मेरे को बता रहा है सर कि ये पॉइंट माइनस वन यूनिट है, परेशानी नहीं है. मैं आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ये थोड़ा नेमी नहीं हो रहा है ना, अगर आप ज्ञानी आदमी हो
जल्दी जल्दी से कितना बार पहले तीनों पर अमित एरिया एबीसी कितना है बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है छोटे ट्रायंगल का एरिया ये बनाया एरिया कैसे निकाल पहले तो मिड पॉइंट निकाल डायरेक्टली क्या बनोगे टू प्लस जीरो टू प्लस जीरो बाई टू वन कॉमा जीरो इसका बोलने से पहले सोचो एक बार अरे आपको चेंज कर दिया हाँ मैं चेंज कर जीरो कॉमा इसका होगा वन कॉमा ठीक है तो एबीसी का एरिया निकाल सकते हैं बट एस एस की वैल्यू इसके भी तो एरिया निकाल सकते हैं डी डी एफ डी एफ एरिया नहीं निकाल सकते बट एस एस की वैल्यू देखोगे तो सर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा फोर स्क्वायर यूनिट और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा टू स्क्वायर यूनिट ठीक है अब आपको निकालने क्या बोला कौन सा रेशियो बोला पहले ये देख फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द गिवन ट्रायंगल मतलब ये छोटा बाय बड़ा मतलब छोटा ट्रायंगल बाय बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल का एरिया ऊपर रहेगा बड़े ट्रायंगल का एरिया नीचे रहेगा और रेशियो आएगा आपका रेशियो सॉरी ये टू नहीं आएगा ये वन आएगा हाँ छोटे वाले का एरिया आएगा आपका वन बड़े वाले का एरिया आएगा आपका ठीक है और जब आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ भी रहती है जब आप सिमिलैरिटीज जब कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ रहे होंगे ठीक है तो आपको पता चलेगा या जब अगर आप एक बार यहाँ जब देखना चाहेंगे तो एक दो तीन और चार चारों ट्रायंगल का एरिया एक से वहाँ सिमिलैरिटी सॉरी कॉन्ग्रुएंसी का सिमिलैरिटी जब आप पढ़ रहे होंगे है ना कि ये चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर हो जाता है अगर ये दोनों आगे देखिए बताइए बन गया ये मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं आई छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल करके डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि बड़ा वाला उसका फोर्टेज बड़ा वाला उसका छोटे वाले का निकाल उसका फोर्टेज बता दो बड़े वाले कहाँ जाएंगे नहीं आप चलो ठीक है क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करेगा वापस क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करेगा दो नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर डायरेक्टली चार गुना चार कर दूंगा तीन या चार नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो दोनों निकाल करके दिखाऊंगा ठीक है सब नंबर का खेल है ना ऑब्जेक्टिव बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे वन इंच ऊपर में डायरेक्ट लिख पाएंगे छोटा है कि बड़ा है कल ये देख लेंगे ऊपर में अगर छोटा वाला डी एफ है नीचे वाले में बड़ा है एबीसी डायरेक्टली वन इंच बोल मार करेंगे यार अभी इस चीज को समझ लीजिए इस चीज को भी समझ लीजिए कई बार आपको सर क्वेश्चन क्या बोलेगा ए बी सी और ये हो गया डी ई
एम। अब सुनिएगा क्वेश्चन मेरा, रेशियो ऑफ पैरेललोग्राम एफ ई डी बी बाय ए बी सी। अब देखो एफ ई डी बी कितना ट्रायंगल ले लिया, दो। अब भैया टोटल भैया एक 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 है, तो ये दे लिया दो, ऊपर वाला टोटल कितना है चार, रेशियो कितना है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन का एकदम ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे सॉल्व करना, सब्जेक्टिव में आएगा तो बना करके देखो, है कि नहीं? दोनों अप्रोच होना चाहिए पास। क्या? एरिया बताइए, अगर मेरे पास ये वर्टाइसेस है तो ये सर टी से इंडिपेंडेंट होगा, तो टी से सर इंडिपेंडेंट होगा का मतलब क्या होगा? अगर मान लो एरिया आ जाता सर टी प्लस ऑफ टू या टी स्क्वायर माइनस फोर किसी भी चीज का आ जाता सर एरिया, है ना, तो सर ये टी पे डिपेंडेंट एरिया हो जाता। बट इसका आप जब एरिया कैलकुलेट करोगे तो एरिया आ जाएगा सर फोर स्क्वायर यूनिट, मतलब एक सर कॉन्स्टेंट एरिया आ जाएगा। अब सर आपके पास टी को सर कुछ भी करो आंसर पे तो फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि आंसर तो आपका सर फोर है, कॉन्स्टेंट नंबर है, इसीलिए सर ये टी से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं सीबीएसई, सीबीएसई स्टूडेंट प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन। आगे 21 कितना एरिया के बराबर है और इस दोनों एरिया का कसा पूरे के बराबर आगे बताइए। आगे बनाएं 59 सर 26 पर फिगर आपको इसका ठीक है नहीं बन जाएगा, देख लो। अरे हम कह रहे हैं तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल लोग ऐसा होगा ना, ट्रायंगल को ड्राइंग कर दो, ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल के एरिया ऐड कर दो। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला आपके पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला आपके पास? आंसर क्या आया? कितना है? क्या बता दें? बोलो क्या बताए? अरे बताना क्या, ये तो बताओ। 132 है सर। सर एक्चुअली ना आप से माइनस हो गया, बताना क्या है? ये भी तो
भैया यहाँ पे तुम्हारे पास वर्टाइसेस गिवन है 1, 7, माइनस 3 12, 20। अभी हमसे कैलकुलेशन तो ना करवाओ। 7, अब भैया ये तीन वर्टाइसेस गिवन है तो इसके नहीं निकलेंगे, इसके नहीं निकलेंगे। अगला देखो, find the condition of at the point x, y may lie on the line joining 3, 4 and minus 5, 6। भैया सुनो 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 सुनो, लॉजिक लगाओ। दो पॉइंट गिवन है, बोले तीसरा पॉइंट इसी में होना चाहिए, तो क्या कंडीशन होगा? अरे काहे मिड का मिड पॉइंट, अगर तीसरा पॉइंट इसी पे है तो तीनों पॉइंट क्या है? लीनियर है। हाँ भैया, तीनों पॉइंट का एरिया को जीरो बोल दो, यही कंडीशन होगा, होगा या नहीं होगा? समझ रहे हो लैंग्वेज को कितना अलग करके पूछे तुमसे? अब यहाँ पर सर कोई भी पॉइंट होगा, मान लो सर x, y, अभी तीनों पॉइंट के एरिया को क्या बोलते हो? जीरो। और वो ऑब्वियस है कि नहीं आएगा, पूरा का इक्वेशन इज इक्वल टू क्या कर दो? जीरो। यही कंडीशन हो जाएगा। उसने क्या बोला? स्टोर एट अ पॉइंट का एक भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बनाया ही नहीं सर। आपने आगे बनाया ही नहीं सर, ये बोलिए सर। हम बनाए थे 67 के आगे के पर नहीं लगे, इसके मैं 88 से कहां तक पढ़े? मैं आपको क्वेश्चन पूरा ट्राई करवाऊं? हां, एक क्वेश्चन नंबर 89 ट्राई कर लीजिए। 89 हां, मतलब80 ट्राई कर लीजिए। और उससे चार पांच क्वेश्चन पहले देखिएगा, तो पॉइंट ए 1, -2 जाने तो दिक्कत पूरा कोऑर्डिनेट आपका कंप्लीट। नाउ यू ऑल आर एलिजिबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक, ठीक है? हां सर, आप बोलते हैं दोबारा। अच्छा सर, कल क्लास होगा? कल ही तो क्लास होगा। हां ये नहीं जाएंगे बाहर में, दो की जा रहा है। हां शाम में, अच्छा कितने बजे सर? क्या सुन नहीं आ रहा? सुबह सुबह नहीं आ रहा है, क्लास आ रहा है। अभी तीन सीट बचे में लिखा है कि अभी लिखता जब नाइट का स्टडी का जब कल शेड्यूल डालूंगा, कल कल का स्केड्यूल जमा करूंगा, तो उसके साथ फुल लिंक डाला जाएगा। कितना बजे से? 9 बजे से।
एटलीस्ट एक मिनट या चार घंटे कितने बजे से चार घंटे ये भी लग सकता हूँ, 7 से 11 भी लग सकता हूँ, बहुत बड़ा बात है। आपके साथ मेरे पास अंदर भी पैसे थे लेने मेरे पास अदर बैचेस हैं, मुझे क्लासेस को एक चैप्टर रखता है, एक्स्ट्रा चैप्टर आ रहा है, उनको आ रहा है सिंपल, पूरे क्लास को पढ़ाना नहीं है, उसी बच्चे को आ रहा है जो उसको ही पढ़ा रहा है। उन लोगों को उसके बाद फिर 3 बजे से सर मूवी दिखाई है, आप तो मशीन है आपको खाना पीना खाना नहीं है, आपको लेकर के आते सर सुबह से कंटिन्यू रहे क्लासेस लगेंगे, क्लासेस लगेंगे 9 और 10 के क्लासेस लगाने हैं, टाइम वाले कुछ बच्चों को सर्कस आ रहा है ना, सबको नहीं है, सिर्फ पाउट काटने के बच्चों को सर्कस आ रहा है, ठीक है, तो माउंट काटने के बच्चों को सर्कस आ रहा है, तो उसका इंट्रो जो आप लोग स्टार्टिंग पार्ट है वो उसका सेम है। और मुझे एक्चुअली 10th में सबसे पहले पढ़ाने से पहले क्या करा था, मुझे 10th तो पढ़ाने से पहले 9th को रिवाइज करा, फिर मुझे 10th पढ़ाना, हम लोग का भी 9th क्लास का सर्कल गया नहीं, सर्कल गया नहीं, ये वाले अपने आंसर नहीं, सेम नहीं, आपको इस बार टेंजेंट टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले बार कम थे, नहीं चलिए बना लिया आप लोगों ने, मैंने क्वेश्चन दिया आपको बना लिया, कौन सा क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 71 जल्दी बनाइए बिना बकवास किए, जल्दी होता है एच की वैल्यू बताइए तेजी से, अच्छा आपको सबसे पहले ये पता है कि नहीं पता है, अगर एक पैरेललोग्राम है इसका सब जो डायगोनल होगा वो ट्रायंगल को क्या करेगा, दो डिवाइड कर देगा, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेसिक तो क्यों होता है ये भी समझ लीजिएगा। इस वाले ट्रायंगल एरिया कैसे बोलते हैं? आप इनटू बेस इज ए बी इनटू हाइट इज एच प्लस इस वाले का ट्रायंगल एरिया कैसे बोलते हैं? ये वापस से एच आप इनटू सी सी इनटू एच। अभी हाफ इनटू एच कॉमन ले लेते हैं और ए बी प्लस बी सी दैट इज टू टाइम्स ऑफ ए बी इधर अपोजिट सर इक्वल इधर टू टाइम्स ऑफ ए टू और टू ए बी हो गया बेस एच हो गया हाइट बेस इनटू ये प्रूफ है सर इसका कि सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू मंडे को आपका कोऑर्डिनेट तो कॉपी चेक कर सकते हैं यस ठीक है मुझे सारा जगह एक जगह पर आपका सारा क्लास रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली सॉल्व चाहिए ठीक है जो डाउट रहेगा वो संडे को पूछ लेंगे मंडे को डाउट आपको पनपना नहीं चाहिए ठीक है जितना डाउट रहेगा संडे को आपके व्हाट्सएप से मेरे मोबाइल पर सारा डाउट गिर जाना चाहिए जितने डाउट गिर जाएंगे उतने डाउट मान लेंगे जितने डाउट नहीं गिरेंगे उतने डाउट नहीं मान लेंगे है ना इधर उधर से कॉपी करके लाने की कोशिश ना करें ठीक है खुद से बना करके आने की कोशिश करें इधर उधर से बना करके लाएंगे तो मुझे पता पड़ जाएगा ठीक है समझ रहे हैं लास्ट पिक्चर समझ रहे हो ना जिनाना नहीं चलो ठीक है बता नहीं है तो जल्दी बताइए क्वेश्चन या बताऊं मैं बेस क्या होता है बेस बांटना है एबी को बांटना है एबी का डिस्टेंस बांटना है और डिस्टेंस बस निकालना है आपको हाइट का बेस इनटू हाइट
एरिया पहले करो आपको टेन ऑफ एरिया ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू बेस एबी इनटू हाइट हाइट ही बताना था आपको टेन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एबी एबी आपने मिस्टर फार्मूला से निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल लिया आया ना ठीक है उसका डबल कर दिया तो पूरी पैरेललोग्राम पे एरिया आ गया ये क्वेश्चन आपको कराने का मेरा मोटिव ये था कि आपको ये बताना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया अभी आप लोग फाइंड कर सकते हो ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला की जरूरत पड़ेगी ठीक है इसके बाद मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन बोला 23 इसको क्रिस्टलाइज करेंगे ना भैया क्रिस्टलाइज करके दिखाएंगे क्या चलिए एक क्वेश्चन था आपके पास मैं जो आपको बता रहा सॉल्व करने के लिए वो सॉल्व कर लीजिए 91 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िए बस भाई क्वेश्चन सीबीएसई क्वेश्चन सीबीएसई वाले उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए रिफ्लेक्शन मोड पे वो आपके सिलेबस में नहीं है ये मैंने आपसे कह दिया तो ये ना कहें कि सर आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ा दिए हैं तो इसमें मैंने आपको मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला के साथ साथ रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट ला करके दे दिया इस क्वेश्चन में नहीं जो मैंने आपने बोला 91 नंबर क्वेश्चन डुएबल है ये भी क्वेश्चन क्या कुछ नहीं द लाइन जॉइनिंग पी क्यू इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस वाई का वाई पे कैसे इंटरसेक्ट करता है मतलब जीरो होगा एंड एक्स क्या बोल रहे हो इंटरसेक्ट करेगा ना और पी भैया आपका -4, 5 यहाँ पर आपका ठीक है पी एम एंड क्यू एन आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एन क्यू आर एक्स एक्सिस पी ए रहा PM और Q QN ठीक है फाइंड द रेशियो ऑफ PR इज टू QR सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन हो जाएगा फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PM एंड Q नाउ किसका क्वेश्चन एरिया का क्वेश्चन आया नहीं है कैसे देखो ये और ये कोऑर्डिनेट निकाल लोगे कैसे निकाल सर परपेंडिकुलर की जाए ना सर इस पूरे लाइन पे एक्स क्या रहेगा माइनस और यहाँ पे कॉमा जीरो और यहाँ पे थ्री कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट तो निकाल ही सकते हैं सर आया ना अब किसको लीजिए यहाँ से इधर ज्वाइन कर दीजिए
बन गया ट्रायंगल। अब एरिया आ जाएगा तो दिक्कत और सर एक चीज आप भी कर सकते थे सर, एरिया निकालना था अगर तो एक एरिया निकालने का एक और काम कर सकते क्या कर ठीक है मैं बना देता हूँ। ये देखिए ये है ना, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तो सर टू नॉट टू पैरेलल साइड्स एंड टू नॉट पैरेलल साइड्स फिगर इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। क्या होता है सर, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, पैरेलल साइड पर सर सम कर लेंगे या ये दोनों को निकाल देते हैं इसका सम कर लीजिए ठीक है हाँ आपका एक्स एक्सिस तो दिक्कत वहां से भी आपका इसका आंसर तो दिक्कत ठीक है यही रहेगा ना इसका हाइट यहां से लेकर यहां तक और ये वाला आपका आया था माइनस कितना था ये वाला और ये वाला हाइट तो आप तुरंत बता दोगे कितना है, बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर 3 माइनस माइनस 4 = 7 है ना हाइट तो आपने तुरंत बता दिया। आपको सिर्फ बताना क्या है ये वाला पॉइंट कितना था, ये वाला पॉइंट कितना था माइनस 2.5 और ये 3.5। अब ये भी देखो सर माइनस 4 तो चेंज हो नहीं रहा डिस्टेंस सर 5 तीन तो चेंज हो नहीं रहा डिस्टेंस 2 तो सर हाफ इनटू 5 प्लस 2 तो ना ये यहां से भी निकाल आया ना क्लियर है लॉजिक क्लियर है आप भी एक ये देख ये क्वेश्चन सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी डैश पहले ए डैश बी डैश सी डैश क्या बोला सर इमेज है एबीसी का और रिस्पेक्टिव टू एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लिया गया पहले तो इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे ले लोगे जिसके अबाउट पे रिफ्लेक्शन लेते हैं वो पॉइंट में चेंज नहीं आएगा ए डैश बी डैश सी डैश बन जाएगा उसको जॉइन करके सर वहां से सर कोऑर्डिनेट आप सेंट्रोइड निकाल दोगे क्योंकि अब ए डैश का सर एक्स एक्सिस x1 बी डैश का सर x2 और सी डैश का x3 तीनों को डिवाइड तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 सेंट्रोइड निकल जाएगा आया ना क्लियर है कोई दिक्कत फिर जैकेट आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होता है ठीक है सीबीएसई पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होता है आईसीसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक पार्ट रह जाता है जिसको हम लोग इंडिपेंडेंटली करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू।